आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। T20 वर्ल्ड कप में रविवार रात खेले गए एक मैच में पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दे दी। इस जीत के बाद पाकिस्तान में जश्न मनाया गया। खास बात यह है कि इस दौरान पाकिस्तानी अवाम होश खो बैठी। इस्लामाबाद, कराची, रावलपिंडी जैसे बड़े शहरों में भीड़ सड़कों पर उतर आई। हवाई फायरिंग हुई। कराची में फायरिंग से 12 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के अनुसार गोली लगने से एक सब इंस्पेक्टर भी जख्मी हुआ है। कराची के औरंगी टाउन के सेक्टर 4 और 4 के चौरांगी में फायरिंग से 2 लोग घायल हुए। पुलिस के मुताबिक गुलशन इकबाल में फायरिंग में शामिल लोगों के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान एक सब इंस्पेक्टर को भी गोली लग गई। सचल गोट, औरंगी टाउन, न्यू कराची, गुलशन इकबाल और मलीर में भी हवाई फायरिंग हुई। यहां भी लोग घायल हुए। भारत पर जीत के बाद पीसीबी चीफ रमीज राजा ने सोशल मीडिया पर कहा, यह पहली जीत है और सबसे यादगार भी। हमारे लिए यह गर्व का पल है, जिसके लिए पूरी टीम को धन्यवाद। यह यादगार सफर की शुरुआत है। बता दें कि भारत वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों पहली बार हारा है। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 7 विकेट पर 151 का स्कोर बनाया था। कप्तान कोहली ने 57 रनों की पारी खेली। पाकिस्तान के लिए शाहीन अफरीदी ने 3 विकेट लिए। 152 के लक्ष्य का पीछा कर रही पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाजों ने धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मैच को एकतरफा बना दिया, जिसके कारण भारत को मैच में हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट से जुड़ी हुई जानकारी पाने के लिए आज ही आप भारत प्लस को सब्सक्राइब करें।